सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस। टुडे वी लर्न अबाउट ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक, देन देयर इज सिमेट्रिक is your addition, equality, addition, equality and scalar multiplication. What is the application of transpose in a matrix? ट्रांसपोज इन मैट्रिक्स इज लाइक जस्ट आप रोज को कॉलम्स बना देते हो और आप कॉलम्स को रोज बना देते हो। मतलब क्या होता है कि सपोज यू हैव अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ट्रांसपोज में ए ट्रांसपोज आपका क्या होगा, ए रेज टू टी मतलब ए ट्रांसपोज कि मतलब इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में जो रो है 1, 2, 3 वो कॉलम बन जाएगा 1, 2 एंड 3। इस पर्टिकुलर रो में जो 4, 5, 6 है वो कॉलम बन जाएगा 4, 5, 6। या इन शॉर्ट आप देखोगे ये वाला कॉलम अब रो बन गया, ये वाला कॉलम अब रो बन गया, ये वाला कॉलम अब रो बन गया। दिस कॉल्ड ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की भी कुछ प्रॉपर्टीज है कि अगर आप इसका भी ट्रांसपोज निकालोगे, मतलब ए ट्रांसपोज निकाला आपने, आप वापस से उसका ए ट्रांसपोज निकालोगे, ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालोगे, तो आपको इंडायरेक्टली क्या आएगा, यही वापस से 1, 2, 3 हो जाएगा, यही वापस से 4, 5 और 6 हो जाएगा। मतलब इंडायरेक्टली आपको क्या आ गया, इसका मतलब क्या, आपका ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ऑलवेज ए। दिस इज वन थिंग। देन यू हैव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको उन्होंने लेटर्स में या वेरिएबल्स में जो दिया है वो ऐसा है, ए इज इक्वल टू आपको दिया है ए बी सी, देन यू हैव एच एच जी जी एफ एफ, आई गेस दिस इज द करेक्ट वन, यस। इसका मतलब क्या है कि आपके डायगनल वाली एलिमेंट्स अलग है पर अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर सेम है। सपोज यू हैव ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, यर ऑल्सो 4, 5, 6, यर ऑल्सो 4, 5 एंड 6। दिस इज योर सिमेट्रिक वर्जन कि मतलब उनका अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर पार्ट सेम है, डायगनल एलिमेंट्स सब अलग है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में आपका साइंस अलग रहता है। यहाँ पे 4, 5, 6 है, अगर एक आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो ऐसा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5, यहाँ पे -6 हो जाएगा। ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, ये आपका सिमेट्रिक वर्स है। नो डाउट अगर आपका समझो यहाँ पे रहा 4, -5 और 6, तो यहाँ पे -4, +5 और -6 होगा। अगर यहाँ पे -4, -5 और 6 यहाँ, तो यहाँ पे +4, +5 और -6 होगा। स्क्यू सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक में अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर सेम होता है, सेम साइज होते हैं, सेम एलिमेंट्स होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में सेम एलिमेंट्स होते हैं बट डिफरेंट साइज होते हैं। टेक अ गुड लुक एट दिस वन, वी मूव टू द एडिशन एंड इक्वालिटी ऑफ matrices. Now you have equality, addition and scalar multiplication. First is equality of matrix. Equality of matrix में दो चीजें याद रखो, first is order of A should be equal to order of B. What is order of A, order of B? आपका rows और columns एक ही होना चाहिए, rows और columns एक ही होना चाहिए, मतलब
यहाँ पे दो रोज दो कॉलम्स है तो यहाँ पे भी दो रोज और दो कॉलम्स होने चाहिए, यहाँ पे दो रोज तीन कॉलम्स है तो यहाँ पे भी दो रोज और तीन कॉलम्स ही होने चाहिए। नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझो आप ए है आपका 1, 2, 3, 4 और बी है आपका 6, 2, 3 और 4। अभी आप देखोगे इसमें ये 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 और ये और ये एलिमेंट सेम है, रोज और कॉलम्स भी सेम है, 2 क्रॉस 2 है, बट यहाँ पे 6 है यहाँ पे 1 है तो ये इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे 1 है तो ही ये इक्वल है। ये याद रखो कि रोज और कॉलम सेम होने चाहिए और अंदर के एलिमेंट्स एक दूसरे के 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होने चाहिए। ये भी नीचे वाला मतलब आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 है तो यहाँ पे भी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम वाला 3 होना चाहिए। यहाँ पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 है, यहाँ पे भी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम 2 होना चाहिए। एडिशन में सिर्फ आपका सेम ऑर्डर रहना चाहिए या इक्वल ऑर्डर, एक ही बात हो गई कि मतलब समझो आपका है 1, 2, 3, 4 प्लस 5, 6, 7, 8 तो इसका एडिशन क्या होगा, दिस विल बी 1 प्लस 5, 2 प्लस 6, 3 प्लस 7 एंड 4 प्लस 8 1-to-1 एडिशन, फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट प्लस फोर्थ एलिमेंट। स्केलर मल्टीप्लीकेशन वेरी वेरी इजी, स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट यू सब मल्टीप्लाई वन पर्टिकुलर मैट्रिक्स विद अ सर्टेन नंबर, कि मतलब आपको दिया हुआ है और स्केलर मल्टीप्लीकेशन में कंडीशन क्या रहती है कि वो एक पर्टिकुलर मल्टीपल आपके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो। सपोज आपको दिया हुआ है k इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू 6, 7, 8, 9 k a मतलब क्या है आपका, ये जो k है आपका स्केलर मल्टीप्लिकल मल्टीपल है सॉरी, तो ये हो जाएगा 5 × 6, 7, 8, 9 मतलब क्या हो जाएगा 5, 6 × 30, 5, 5, 8 × 40 और 5, 9 × 45 तो ये क्या हो गया आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला मैट्रिक्स, कि मतलब आप पर्टिकुलर कोई सर्टेन नंबर को पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला हो जाता है। टेक अ गुड लुक एट दिस वन, वी मूव ऑन टू द एक्सरसाइज पार्ट। So now in this particular part we will solve question number 1 to question number 8. एक से लेकर 8 तक के क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 has 15 questions. The next part will contain 9 to 15. So first question which you have is first one, a is equal to you have 2, 5, -6 and you have -3, -4, 1 b is equal to -1, 2, 0 and 2, 2, 3 I guess, yes, and you have c is equal to 4, -1, -2 and 3, 4, 1 this particular set of questions is given, आपको find out करना है first a plus b is equal to b plus a which is very easy, and then you have a plus b plus c is equal to a plus b plus c, this is easy, this is also easy, मैं second वाला करके दिखाऊंगा आपको, first वाला homework रहेगा। So first you will find a plus b which is 2, 5, -6, -3, -4, 1 plus -1, 2, 0, 2, 2, 2 and 3 which will give you answer 2 plus of
माइनस वन, फाइव प्लस टू माइनस सिक्स प्लस जीरो माइनस थ्री प्लस टू माइनस फोर प्लस टू वन प्लस थ्री। यहाँ पे माइनस था इसलिए प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, विच गिव्स यू आंसर टू माइनस वन इज वन, माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन, फाइव प्लस टू सेवन, माइनस फोर प्लस टू माइनस टू माइनस टू, माइनस सिक्स प्लस जीरो माइनस सिक्स, वन प्लस थ्री गिव्स यू फोर। फिर आपको फाइंड आउट करना है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब आपको ये वाला आंसर सी के साथ ऐड करना है, विच गिव्स यू वन सेवन माइनस सिक्स माइनस वन माइनस टू फोर, प्लस सी आपका कितना है फोर माइनस वन माइनस टू थ्री फोर एंड वन। आई होप यू आर एबल टू सी क्लियरली, इफ यू आर नॉट ओके इट्स विजिबल। सो वन प्लस फोर गिव्स यू फाइव, सेवन प्लस इंटू माइनस माइनस, सेवन माइनस वन सिक्स, माइनस सिक्स माइनस टू माइनस एट, माइनस वन प्लस थ्री टू, माइनस टू प्लस फोर टू, फोर प्लस वन फाइव, दिस बिकम्स योर वन। तो इसको आप लोग अभी फिलहाल साइड में लिख लो, ए प्लस बी प्लस सी इज हाउ मच फाइव सिक्स माइनस एट टू 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 एंड फाइव। नाउ वी फाइंड आउट द आरएचएस पार्ट, ये हो गया आपका वन। नाउ यू फाइंड आउट बी प्लस सी जो कितना आएगा माइनस वन टू जीरो टू टू थ्री प्लस फोर माइनस वन माइनस टू थ्री फोर एंड वन, विच गिव्स यू माइनस वन प्लस फोर प्लस थ्री टू प्लस थ्री फाइव, टू माइनस वन वन, टू प्लस फोर सिक्स, जीरो माइनस टू थ्री प्लस वन फोर। ये हो गया आपका बी प्लस सी। अब आप निकालो ए प्लस बी प्लस, मतलब क्या योर ए इज टू फाइव माइनस सिक्स माइनस थ्री माइनस फोर वन, प्लस थ्री वन माइनस टू फाइव सिक्स एंड फोर। आपको आंसर आएगा टू प्लस थ्री फाइव, माइनस थ्री प्लस फाइव टू, फाइव प्लस वन सिक्स, माइनस फोर प्लस सिक्स टू, माइनस सिक्स माइनस टू माइनस एट, वन प्लस फोर फाइव। ये हो गया आपका टू। अब आप करस्पॉन्डेंस मिलाओ, फाइव सिक्स और माइनस एट है, फाइव सिक्स और माइनस एट है, टू टू और फाइव है, टू टू और फाइव है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो फ्रॉम वन एंड फ्रॉम टू, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट यू हैव योर सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज काइंड ऑफ एल्जेब्रिक वन और उसमें स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी है, सो ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट वन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में यू हैव क्वेश्चन नंबर टू, यू हैव ए इज इक्वल्स टू, ए इज इक्वल टू वन माइनस टू फाइव एंड थ्री, देन यू हैव बी इज इक्वल टू वन माइनस थ्री फोर एंड माइनस सेवन। आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए ए माइनस टू बी प्लस सिक्स आई, ये एक मैट्रिक्स है जो आपको फाइंड आउट करना है, और आपको दिया है आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था क्या है फर्स्ट लेक्चर में था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नथिंग बट योर दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स जिसका डायगनल एलिमेंट्स सब वन होगा, दैट इज योर यूनिटी और आइडेंटिटी होगा। सो
फर्स्ट यू फाइंड आउट 2b एंड 6i. लेट्स स्टार्ट. a इज इक्वल टू 1 5 माइनस 2 एंड 3. 2b इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 2 इंटू 1 4 माइनस 3 माइनस 7. यू हैव 2 वन जा 2 2 माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 2 इंटू 4 8 2 7 जा 14. नेक्स्ट यू हैव 6i. अब नेचुरली इन सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो आप क्या करोगे, आप नॉर्मली सेम ऑर्डर वाला ही आइडेंटिटी लोगे. आप यहाँ पे 3 क्रॉस 3 लोगे तो ऐड तो होने वाला नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू आइडेंटिटी विच इज गिव विच विल गिव 6006. वन स्लाइड माइनर मिस्टेक, यहाँ पे माइनस 2 भी है, यहाँ पे आप माइनस 2 ले लो, यहाँ पे भी माइनस 2 ले लो. माइनस 2 इंटू प्लस 1 माइनस 2, माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6, माइनस 2 इंटू प्लस 4 माइनस 8 एंड माइनस 2 इंटू माइनस 7 प्लस 14. आपके पास a की वैल्यू है, माइनस 2 b की वैल्यू है, प्लस 6 i की वैल्यू है. यू सब्स्टिट्यूट देयर फॉर a माइनस 2 b प्लस 6 i गिव्स यू 1 5 माइनस 2 3 माइनस माइनस 2 माइनस 8 6 एंड 14 प्लस 6 0 0 6. Indirectly you have here 1 minus into minus plus 2 plus 6 minus 2 minus 6 plus 0 minus into minus plus 5 plus 8 plus 0 3 minus 14 plus 6. अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ. यहाँ का 1 यहाँ पे minus minus into minus प्लस हो गया, यहाँ वाला 2 यहाँ पे, ये लास्ट वाला 6 यहाँ पे, यहाँ वाला माइनस 2, ये 6 था माइनस के साथ मल्टीप्लाई पे माइनस 6, ये लास्ट वाला प्लस 0, 5 माइनस इनटू माइनस प्लस ये वाला 8 ये वाला 0, 3 माइनस 14 3 माइनस 14 और ये लास्ट वाला प्लस 6. 1-to-1 एडिशन था, नॉट सो मच डिफिकल्ट. 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8, 5 प्लस 8 13, 3 माइनस 14 माइनस 11, माइनस 11 प्लस 6 माइनस 5. ये रहा आपका a माइनस 2 b प्लस 6 i वाला मैट्रिक्स विच वॉज वेरी इजी टू सॉल्व. टिल देन टेक अ गुड लुक एट दिस वन, वी मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. ओह लेट मी जस्ट clear it out for you guys because the camera is slightly tilted now. So the next question you have is the fourth question. Third question is very very similar to the fourth one. आप देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा. उसमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तीन मैट्रिक्स का एक कॉम्बिनेशन दिया और आपको बोला है कि थर्ड मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है. इसमें आपको तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं और कॉम्बिनेशन में चार है, तो आपको चौथा वाला मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करना है. वेरी सिंपल वन. सबसे पहले आप 3a की वैल्यू निकालो विच विल बी 3 इंटू 1 3 एंड माइनस 6 माइनस 2 माइनस 5 एंड 0 विच विल गिव यू आंसर 3 9 माइनस 18 माइनस 6 माइनस 15 एंड 0. नेक्स्ट यू फाइंड आउट माइनस 4b विच विल बी माइनस 4 इंटू माइनस 1 4 1 माइनस 2 2 एंड 5 विच विल गिव यू माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4 एंड माइनस 4 इंटू प्लस 4 माइनस 16 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 8 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 20. अब आपको 5 सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले 3a माइनस 4b प्लस 5x इज इक्वल टू c. वन थिंग, नेक्स्ट 5x इज इक्वल टू c प्लस 3a यहाँ गया माइनस 3a प्लस 4 माइनस 4b यहाँ गया प्लस 4
बी विच गिव्स यू 5x इज इक्वल्स टू सी का वैल्यू है आपका 2 माइनस 1 माइनस 3 4 माइनस 4 एट 6 माइनस 3a का वैल्यू क्या है आपका 3 9 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 15 0 देन यू हैव प्लस 4b का वैल्यू कितना है आपका माइनस 4b का प्लस 4b है ना ओके विल लेट्स जस्ट स्किप द माइनस पार्ट हियर प्लस 4b तो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे माइनस 4 आएगा यहाँ पे प्लस 16 आएगा यहाँ पे भी प्लस 4 आएगा यहाँ पे माइनस 8 आएगा यहाँ पे भी प्लस 8 यहाँ पे भी प्लस 20 आपको इंडायरेक्टली आएगा माइनस 4 16 4 माइनस 8 और 20 आपको आएगा 5x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशन हियर बिकॉज यहाँ पे सिंपल है तो उसके लिए ज़्यादा कुछ हार्ड कैलकुलेशन है माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस 6 10 10 माइनस 8 2 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10 माइनस 10 प्लस 16 कितना हो गया सिर्फ 6 then you have minus 4 plus 15 11 11 plus 8 19 then you have minus 3 plus 18 15 15 plus 4 19 6 minus 0 6 6 plus 20 26 यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके x के बाद डिवाइड हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इंटू माइनस 5 6 19 2 19 26 जिसका आंसर आपको इंडायरेक्टली क्या आएगा माइनस 5 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू व्हाट 1 1 विच इज माइनस 1 ये हो जाएगा 6 अपॉन 5 ये हो गया 19 अपॉन 5 ये हो गया 2 अपॉन 5 ये हो गया 19 अपॉन 5 और ये हो गया 26 अपॉन Fine. Take a good look at this one. The next particular sub is of on the basis of transpose. So let's move on to it. Now you have the sixth question. Fifth or sixth question, same ही concept पे थे. ये आपको matrix बदल के बोला कि find A transpose of transpose. So not difficult sub. ये 3x3 का इसलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि बाकी दूसरा वाला जो है वो 2x3 का है तो उसके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज जो आपको क्या आएगा ए ट्रांसपोज में क्या होता है आपका जो रो है वो कॉलम बन जाता है और कॉलम जो है वो रो बन जाता है आपका जो रो है 731 वो कॉलम बन जाएगा 731 आपका जो रो है वो कॉलम बन जाएगा माइनस 2 माइनस 4 1 आपका जो रो है वो कॉलम बन जाएगा 591 सॉरी फॉर राइटिंग वन सो मिस्टेक वापस से आप देखोगे तो आपका ये जो 7-2-5 था कॉलम में वो रो बन गया आपका जो 3-4-9 था वो रो बन गया आपका जो 1-1-1 था वो भी रो बन गया अब आपको इसका भी ट्रांसपोज निकालना है मतलब इनडायरेक्टली आपको वापस से वही वाला एलिमेंट आएगा 731 है उसको रो बनाना है माइनस टू माइनस फोर वन है उसको रो बनाना है 591 है उसको भी रो बनाना है इनडायरेक्टली घुमा फिरा के आपको ए वाला एलिमेंट ही आया फिफ्थ वाले क्वेश्चन में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान से देखिए कुछ नहीं समझ में आया तो व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में पूछिए वी मूव ऑन टू द लास्ट सम ऑफ द डे सो द सेवेंथ क्वेश्चन विच यू हैव इज फाइंड ए कॉमा बी कॉमा सी इफ 1, 3 upon 5, AB minus 5 minus 7 minus 4, C0 is symmetric matrix. अब मैंने symmetric matrix में आपको क्या बताया था? Symmetric matrix में आपको ये बताया था कि
कि उसका अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर इक्वल होता है। आप लिखोगे सिंस गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है A11, A12, A13 ऐसा होएगा, तो आपका A12 जो है A12 जो है वो आपके A21 से इक्वल है, आपका जो A13 है वो A31 से इक्वल है, और आपका जो A23 है वो A32 से इक्वल है। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब A3/5 आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम B से इक्वल है, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाला A आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम वाले -4 से इक्वल है, और आपका जो A23 है मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम वाला -7 है वो आपके थर्ड रो सेकंड कॉलम मतलब ये C से इक्वल है। इनडायरेक्टली आपको A का आंसर आएगा, देयरफॉर A12 है ना, मतलब आपको B की वैल्यू 3/5 आएगी, A13 मतलब A की वैल्यू आपको -4 आएगी, और C की वैल्यू आपको -7 आएगी। यहाँ पे आपको -7 आएगा, यहाँ पे आपको 3/5 आएगा, और यहाँ पे आपको -4 आएगा। फिर आप देखोगे 3/5 -4 7, 3/5 -4 7 सिमिलर आ गया, सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट इज योर 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक है मतलब क्या है, उसका साइन चेंज हो जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक का क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। एट क्वेश्चन में आपका एबीसी नहीं है, एक क्वेश्चन में आपका एक्स वाई जेड है, और जो नंबर्स है एलिमेंट है वो ये है 0, -5i और x, देन यू हैव y 0 सॉरी z, देन यू हैव 3/2 -√2 एंड 0 इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब क्या स्क्यू सिमेट्रिक है मतलब क्या है, साइन चेंज हो जाएगी, ऊपर वाला जो प्लस माइनस है वो नीचे जाके उल्टा हो जाएगा। आपका A12 -A21 हो जाएगा, आपका A13 -A31 हो जाएगा, और आपका A23 -A32 हो जाएगा। दिस इज वन थिंग, A12 क्या है आपका -5i = क्या है A21 -y, माइनस माइनस गेट्स कैंसल, आपको आया y = 5। A13 है आपका x, A31 है आपका -3/2, आपको इंडायरेक्टली x क्या आया -3/2। फिर आपको A23 z क्या है z, और फिर -A32 मतलब क्या -√2 which implies z = √2। स्क्यू सिमेट्रिक से आप ऐसे भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो, सिमेट्रिक वाले के लिए तो थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना। ये आज के 8 सम आपके प्रैक्टिस सेट 2.2 के। नेक्स्ट पार्ट में हम 9th क्वेश्चन से 15th क्वेश्चन तक करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।